हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का वीडियो में हम डील करने वाले हैं क्या एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इसमें ब्रेस्ट मिल्क में क्या क्या इसमें फैक्टर होता है, कौन के इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है और उसके एक एक करके हम फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारा एनाटोमी, फिजियो, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी के आपको बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम इसके जो प्रीवियस की वीडियो है कि हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें बात करी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर के वहां से आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले आज के हम इसके एडवांटेज के बारे में ब्रेस्ट फीडिंग के। ठीक है, सबसे हम पहली बात करें इसकी तो ब्रेस्ट फीडिंग इज आइडियल फॉर द न्यू नेट, इट इज सेवरल एडवांटेज फॉर द बेबी एंड मदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइडियल। ठीक है, आइडियल फूड माना जाता है ब्रेस्ट फीडिंग को, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो दिया जाता है 6 मंथ तक, उसको क्या माना जाता है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या हुआ कि आइडियल का ये मतलब हुआ कि वो क्या संपूर्ण तरीके से वो फुलफिल हो, जितना उसको बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए उतने इसको क्या मदर के मिल से उसको फुलफिल हो जा रहा है, हर चीज़ उसको मिल रहा है जो चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं आइडियल हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, और आइडियल की बात करें तो देखिए मदर का जो मिल्क होता है ना वो क्या अमृत से भी बढ़ के ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अमृत से भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी हम एक एक करके हम बात करने वाले। ठीक है, कि बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे हेल्प करता है। ठीक है, हर एक चीज़ से उसको फैक्टर से बचाता है, जैसे कि फॉरन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरन कोई फैक्टर हो गया तो उससे बेबी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बेबी। ठीक है, बेबी के लिए भी एडवांटेज है और मदर के लिए भी एडवांटेज है, हम एक एक करके बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के लिए क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, इसमें आता है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड अ होल सम फूड डेट ऑप्टिमम फॉर बेबी ग्रोथ। ठीक है ना, ऐसा इसमें फूड रहता है ब्रेस्ट मिल्क में जो कि क्या रहता है कि ऑप्टिमम। ठीक है ना, जितनी मात्रा में बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसमें उसको पूरा मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिमम बोल रहे हैं। ठीक है ना, जिसका उतना लेवल चाहिए उतना उसको मिल रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर 6 मंथ। यहाँ पे एक पॉइंट है समझने वाला कि 6 मंथ जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, जब भी बच्चा को 6 मंथ तक क्या करना है सिर्फ मदर का ही उसको दूध पिलाना है। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि 6 मंथ तक उसमें पूरा उसको ऑप्टिमम कंटेंट में उसको सारा चीज रहता है, फैट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसको विटामिन्स हो गया, उसको बायफीडस फैक्टर्स उसको मिलेगा, उसमें 6 मंथ तक मिलेगा। ठीक है, और 6 मंथ के बाद से क्या करना है कि उसको विनिंग के तौर पे, एक विनिंग बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग तो चलता रहेगा, उसके साथ में कुछ कुछ सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 6 मंथ तक ये उसको ऑप्टिमम लेवल पे रहता है जितना कि बेबी वो ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये पहली बात हो गया। उसके बाद समझते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज कितना रहता है 7.4 mg/dl रहता है। ठीक है ना, लैक्टोज पे उसके मतलब मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है और ब्रेन के ग्रोथ एंड उसके मेंटलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद करें फैट की तो फैट कितना मिलता है 3.4 ग्राम में ब्रेस्ट मिल्क में फैट मिलता है। उसके बाद करें हम प्रोटीन की तो 1.2 mg/dl। ठीक है, और एनर्जी की बात करें तो 66 kcal मिलता है, कैलोरी मिलता है। उसके बाद से वाटर की बात करें तो ये वाटर उसमें 88 ml रहता है। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट से जो कि ब्रेस्ट मिल्क से उसको बेबी को मिल रहा है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम है, मतलब कि काफ़ी है। कितना दिन के लिए, वो 6 मंथ के लिए रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ब्रेस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का नाम दिया गया है कि क्योंकि वो लगातार 6 मंथ तक दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा फैक्टर्स पर जो कि बेबी को बेनिफिट होने वाला है। लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, आप बच्चे जब भी जन्म लेता है तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। इम्यूनिटी क्या रहती है, कमजोर रहती है एज एडल्ट के कंपेयर में। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है मदर्स मिल्क हैविंग हाई लेवल ऑफ आईजीए
आईजीए क्या है, एंटीबॉडी है, हाई लेवल ऑफ आईजीए रहता है, उसके बाद हम लाइसोजाइम का हम बात करें, ठीक है। तो यह जो है अपना जो बेबी को जो है, बेबी को क्या कर रहा है, इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है और उसको बचा रहा है। किससे बचा रहा है, अपने इन्वायरमेंट में बहुत तरह के वायरस, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो होलोवर्ती बात करें तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है, बीमारी होने से बचा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से क्या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हो रहा है। उसके हम बात से बात करें तो बेबी अगेंस्ट सेवरल बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, बहुत तरह के वायरल हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको क्या बचाने का भी काम कर रहा है। इसीलिए देख रहे हैं ना, आईजीए और लाइसोजाइम है उसमें प्रेजेंट है, इसलिए उसको बचाने का काम कर रहा है। उसके बाद हम बात करें तो कुछ पाबा, पाबा बोले तो पारा एमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक ना। यह क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मलेरिया, ठीक है। अब देखिए बच्चा जो जन्म लिया है उसको मच्छर भी काटेंगे, मच्छर काटेंगे, हो सकता हो मलेरिया वाला मच्छर हो, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसके ब्रेस्ट मिल्क से उसको पाबा मिल रहा है, पारा एमाइनो बेंजोइक एसिड, जो क्या कर रहा है कि मलेरिया से प्रोटेक्ट उसको बचा रहा है, ठीक है। उसके बाद से बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन एंड गिव इम्यूनिटी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन करवाता है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन, एक इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन एक तरह के क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट, प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट उसको बोलते हैं, प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट मतलब कि हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करवाता है, ठीक है। और क्या करेगा, गिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क से उसको क्या मिलता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं बायफिडस फैक्टर, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट विल इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोबेसिलाई, ठीक है। लैक्टोबेसिलाई का फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अब समझते हैं लैक्टोबेसिलाई क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में होता है लैक्टोबेसिलस, ठीक है। लैक्टोबेसिलाई यह क्या करता है, अपने जब भी बेबी को फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइजेशन के साथ में उसके लार्ज इंटेस्टाइन से क्या करता है ना, वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और वाटर को एब्जॉर्प्शन करेगा तो डायरिया के जो चांसेस रहता है बेबी में, ज़्यादातर डायरिया होता है, लूज मोशन होते रहता है, तो वो लैक्टोबेसिलस जो है वो उसको डायरिया से क्या करता है कि प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। तो यह कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद से हम एक एक करके देखते हैं, इसका आप जरूर स्क्रीन शॉट लें और इसको जरूर समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। मदर्स मिल्क वेरी सुटेबल फॉर द बेबी, ठीक है। जैसा होता है आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल के लिए कि मदर का मिल्क जो होता है वो इजीली क्या होता है कि जो बेबी को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन या उसको हम काऊ मिल्क पिलाए या बोतल का उसको दूध पिलाया जाता है ना, तो वो क्या होता है कि एडजस्ट नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो जो मदर का मिल्क होगा ना उसके लिए बहुत ही सुटेबल होगा, जो कि उसके लिए ऑप्टिमम होगा उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद से दूसरी पॉइंट बात करेंगे इकोनॉमिकली फैक्टर्स, ठीक है ना। एक तरह से देखा जाए तो पैसा का भी ये बचत कराता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेबी, ठीक है। अगर हम बोतल सा उसको पिलाया जाए बेबी को, बोतल का तो या उसका पाउडर वाला जो आता है फॉर्म में मिल्क, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और कॉस्टली होता है, और ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या होता है कि फ्री में उसको मिल रहा है, तो एक तरह से क्या है इकोनॉमिक्स के वे से भी ये क्या कर रहा है कि बेनिफिट्स का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से बात करें इमोशनली फैक्टर्स, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने के चलते क्या होता है कि वो बेबी और मदर में क्या होता है कि इमोशनली बॉन्डिंग बनाने का काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डिंग बिटवीन दी मदर, ठीक है। इमोशनली बॉन्डिंग तो एक इमोशनल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उससे अटैचमेंट हो रहा है, किसके चलते, ऑक्सीटोसिन के चलते। और फिजिकल बॉन्डिंग के मतलब देखे होंगे आपके बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, अपने मम्मी के गोद में जाता है तो चुप हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको फिजिकली वे से भी उसको क्या लगता है कि हम सेफ जोन में आ गए हैं। जब भी अपने मम्मी के गोद में जाता है तो उसको लगता है कि हम सेफ जोन में आ गए, ठीक है। तो ये इमोशनली और फिजिकली भी बॉन्डिंग उसको करा रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम बात कर रहे हैं कि अब एडवांटेज फॉर मदर, ठीक है। मदर का क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। सबसे पहला हम पॉइंट की बात करें तो लैक्टेशन सप्रेस द ओवुलेशन हु गिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि सिक्स मंथ कंटिन्यू, ठीक है। अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है ना, तो उसके टाइम पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन क्या होगा कि सप्रेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाएं तो
जब ब्रेस्ट फीडिंग जब उसको अपने बेबी को करेगी तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ा रहेगा, और ऑक्सीटोसिन प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ा रहेगा ना तो उसमें क्या करेगा, ये GnRH जो हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है ना, तो इसको सप्रेस कर देती है, ठीक है, और इसको सप्रेस कर देती है तो आगे चल के जो FSH और LH जो ओवरी में बनना चाहिए वो ओवरी में नहीं बन पाता है, तो ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि नेचुरल कंट्रासेप्टिव हम कह रहे हैं, नेचुरल कंट्रासेप्टिव इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन को क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग सप्रेस कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है, ठीक है, और ओवुलेशन नहीं होगा तो एक्ट एज अ क्या नेचुरल कंट्रासेप्टिव काम कर रहा है, ठीक है ना। इस कंडीशन में 6 मंथ तक क्या होता है कि बेबी वो नेक्स्ट बेबी कंसीव नहीं हो पाती है, जो लेडी होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे GnRH को सप्रेस कर रहा है, FSH नहीं बनेगा, LH का स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम नेचुरल कंट्रासेप्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेस्ट फीडिंग अ लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है। यह ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर फीमेल में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर है, ठीक है, और हाई रिस्क कैंसर होता है, ठीक है ना। तो अगर 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कोई मदर कराती है तो इन दोनों का जो खतरा है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से समझते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प लूजेज ऑफ एक्स्ट्रा फैट ऑफ मदर, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि जो जन्म लेने के बाद से क्या होता है कि उनके जो एब्डोमिनल जो कैविटी होता है या एब्डोमिनल ट्रंक के साइड में क्या होता है कि उसमें एक्स्ट्रा फैट का कंपोजिशन होने लगता है, ठीक है ना। पहले से भी रहता है तो वो लूज, मतलब कि वो क्या होता है कि बॉडी से वो स्क्रीट आउट नहीं हो पाता है, वो कम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर 6 मंथ के लिए कंटिन्यू अगर करा रहती है उसको, अगर मदर करा रही है ना, तो जो एक्स्ट्रा फैट का जो वहाँ पर रुकावट होता है, जो जम गया रहता है, उसका क्या होता है, उसमें कमी होता है, ठीक है। तो एक तरह से वेट जो गेन रहता है उसमें भी वो कमी करता है, ठीक है, तो ये भी एक फायदा है। उसके बाद से समझते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प प्रमोट ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है ओवुलेशन और यहाँ पे पॉइंट है इन्वोल्यूशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ओवुलेशन का मतलब कि एक का फॉर्मेशन, और ये एक का फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। अब यहाँ पे इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो जो भी बॉडी का ऑर्गन होता है, फॉर एग्जाम्पल कि यूट्रस, यूट्रस का क्या रहता है, साइज बढ़ा रहता है, ठीक है, तो वो अपने मतलब प्री प्रेग्नेंट के फॉर्म में आना, ठीक है ना। बच्चा जन्म लेने के बाद से जो यूट्रस का साइज बड़ा रहता है वो अपने जगह पे एडजस्ट होने को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो उसमें हार्मोनल भी चेंजेज होगा, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इन्वोल्यूशन में भी हेल्प करेगा, कि मतलब कि जो उसका ऑर्गन जो है वो अपने जगह से जो एक्सचेंज हुआ था ड्यू टू बेबी के चलते, तो वो बेबी डिलीवर के बाद से वो अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके क्या रहा मेन, इसका ही इफेक्टिव रहा, जो कि ये दो पॉइंट्स को इन मतलब डिफरेंस में समझना जरूरी है, ओवुलेशन और इन्वोल्यूशन, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर में देखे हैं एडवांटेज, अगर आपको क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट फीडिंग से लॉन्ग क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ठीक है, उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बताना है, और उसके बाद से उसका जो हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी, कितना फैट, कितना उसको एनर्जी मिलता है, और ये एडवांटेज फॉर मदर और एडवांटेज फॉर बेबी के लिए आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।